हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति। सो आज मैं आप लोग के साथ में ये वाला मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ जो कि कोई भी ओकेशन पे कर सकते हो एंड बहुत ही इजी है। और इस वीडियो में मैंने जितना भी प्रोडक्ट यूज़ किया है वो अंडर 150 और 175 रुपीज़ के है। एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ करके इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियोज़ के लिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लगाई है फेस सीरम जो कि काफ़ी अफोर्डेबल एंड वाई बे का विटामिन सी फेस सीरम है। एंड देन यहाँ पे मैंने एल्स गुडनेस का फेस क्रीम यानी कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम सैफ्रन का है, काफ़ी अच्छा है ये भी, बहुत ही अफोर्डेबल, आई थिंक 70 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पे मेरे पास प्राइमर नहीं था अफोर्डेबल रेंज में तो इसलिए मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, ये बोरो प्लस का। इसमें एलोवेरा और टर्मेरिक सैफ्रन सभी कुछ है और काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा स्टिकी एंड आपको फेस बहुत ही ग्लोई भी बनाएगा। यहाँ पे मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, पोन्स का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड 02 है मीडियम, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा अच्छा खासा आपको कवरेज भी दे देता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला यूज़ किया है। काफ़ी अफोर्डेबल 120 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने ब्लेंड किया है, आप चाहो तो ब्रश हाथों से भी कर सकती हो। और एक ऑप्शन है हमारे पास ये वाला एनवे का, ये रनवे रेंज का फाउंडेशन प्लस कंसीलर क्रीम, ये आप एज अ फाउंडेशन और कंसीलर की तरह से भी यूज़ कर सकते हो तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कंसीलर यूज़ करके। तो यहाँ पे मैंने यूजल प्लेस पे अप्लाई किया है, कहीं पर भी आपको डार्कर लगे, अपनी फेस को थोड़ा हायर लुक देना है और एक स्ट्रक्चर देना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो जहाँ पे मैंने यूज़ किया है। उसके बाद फेस सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का कॉम्पैक्ट, ये भी आपको 120 और 150 में मिल जाएगा। और गाइस इससे मैंने कंसीलर को सेट किया है एंड देन पूरी फेस को सेट कर लिया है। यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ये ब्राउन कलर का है। इसमें आपको स्पूली कोम एंड ब्रश भी मिल जाएगा जिससे आप पहले ब्रश करना है एंड देन पेंसिल के ब्रश से अप्लाई करना है एंड उसके बाद फिर से आपको ब्रश करना है ताकि एक अच्छा नेचुरल एंड लॉन्ग लास्टिंग शेप रहे। उसके बाद ये वाला मेरा फेवरेट पैलेट है क्योंकि इसमें आपको हाइलाइटर, कंटूरिंग एंड पूरा आई शेडो भी मिल जाता है जो कि आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। ये भी आपको 150 और 175 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसका लिंक हो सके तो डाल दूँगी क्योंकि ये आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है ये ब्राउन शेड क्रीज पे एंड देन आउटर कॉर्नर पे ये थोड़ा सा डार्कर मरूनी शेड अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा एक शैम्पेन शेड बोल सकते हो, तो ये वाइट शैम्पेन शेड मैंने अप्लाई किया है आईलिड्स पे एंड पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं लोअर लैश लाइन पे एंड आउटर कॉर्नर पे देख के एक अच्छा सा लुक में बना रही हूँ। मतलब जैसा आपको ठीक लगे, जितना तक आप सेटिस्फाई होंगे उतना तक अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लीजिए। तो ब्लेंड करना है आपको, लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा लगाना है, मैंने जैसे लगाए। उसके बाद यहाँ पे मैं लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और ये सभी को पता ही होगा कितना अफोर्डेबल और अच्छा भी रहता है। और इससे मैंने विंग्ड आईलाइनर अप्लाई किया है। सो बोल्ड विंग्ड आईलाइनर के बाद यहाँ पे मैं फॉल्स लैसेस अप्लाई कर रही हूँ जो कि मैं रेगुलर मेकअप में भी यूज़ करती हूँ। ये मैंने 30 रुपीज़ में बाइंग किया था लोकल मार्केट से। आप लोग पूछते रहते हो कि मैंने कौन सा फॉल्स लैसेस अप्लाई किया है, लिंक डाल दो, तो गाइस मैं लिंक नहीं डाल सकती, हो सके तो मैं डाल दूँगी। और ये मैंने 30 रुपीज़ में लोकल मार्केट से बाइंग किया था। यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा लिया है, ये आपको 99-100 रुपीज़ में मिल जाएगा। सो ये मैं लोअर लैश लाइन एंड जो फेक लैसेस है उसके ऊपर भी मैं लगा रही हूँ ताकि और अच्छा एक कर्ल सा लुक आए, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता वाला लैसेस है तो वो उतना ज़्यादा लेंथी एंड कर्ल्स नहीं होता है। उसके बाद एक ब्राउन शेड को लेके मैंने अपने नोज़ को थोड़ा सा ब्रॉन्जअप किया है ताकि एक शेप मिले अपने लिप अराउंड, ताकि एक फुलर लिप मिले मुझे। उसके बाद अपनी चिक्स को एंड थोड़ा सा जॉ लाइन को, फोरहेड को भी मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जअप कर लूँगी क्योंकि कोई भी आप मेकअप करके ब्रॉन्जर के बिना उतना अच्छा नहीं लगेगा, एकदम वाइट वाइट अच्छा नहीं लगता है। अगर आप फेस को स्ट्रक्चर दोगे तो ही नेचुरल लुक लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन, सॉरी
मेबलिन का ये वाला ब्लश लगाए है, पीची ब्लश। सेम एसएफआर पैलेट से मैंने ये वाला हाइलाइटर सेट लिया है। एंड जो भी मेरा हायर पॉइंट्स है, अपनी नोज पे, थोड़ा सा चिक्स पे एंड फोरहेड, जॉ लाइन, अपने आईब्रो पे एंड इनर कॉर्नर पे भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस लुक को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लिप लाइनर अप्लाई किया है। मैंने लिप लाइनर थोड़ा सा मैंने डार्कर लिप लाइनर लिया है क्योंकि मैं इसके ऊपर किस ब्यूटी का ये न्यूट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये वाला लुक थोड़ा सा सेटल रखने के लिए मैं ट्राई कर रही थी, बट मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही न्यूट हो गया। तो इसके ऊपर मैंने ये पिंक शेड अप्लाई किया है। आई थिंक अच्छा ही लग रहा है। कैसा लगा आप लोगों को कॉमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ करके इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।